दुआ करता हूँ अल्लाह से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पहिए को सही करना, ठीक है। अब जैसे कि इस पहिए में आप देख सकते हो इसमें पिले कितनी है, ठीक है। अगर ऐसी पिले आपकी गाड़ी में आएगी तो जब जब आप पहिए को टाइट करोगे तो वो पहिया ढीला हो जाएगा, यही कस्टमर का कहना था। तो जब ये हमारे भाई आए थे तो हमसे कहने लगे, भाई मैं सुबह पहिए को अगर टाइट करता हूँ तो मेरा पहिया शाम तक के ढीला हो जाता है, फिर मैं दूसरे दिन टाइट करता हूँ तो वही प्रॉब्लम आती है। तो देखिए अभी हमने इनका एक्सल चेक कर लिया, वो ओके था। तो इनका जो ड्रम है उसका होल बहुत बड़ा हो गया, तो इस वजह से देखिए इसमें डग है। अब जब ये डग रहेगी, जब एक्सल ड्रम के ऊपर टाइट टाइट बैठेगा नहीं, तो ये इसी तरह से डग करेगा और बार बार नट जो होगा इसका ढीला होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसी के देखिए हमारे पास देसी जुगाड़ है। ये देखिए हमारी पत्ती है और पत्ती को हम देखिए इस तरह से इसको काटेंगे और काटने के बाद इसको फिट कर देंगे। तो इसका जो अभी आपने देखा था डग था, वो डग ख़त्म हो जाएगा पहिए के अंदर। और ये जो हमारा एक्सल है, एक्सल ड्रम के ऊपर चिपक के जब बैठ जाएगा, चाबी हम लगाएंगे तो बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो कस्टमर से हमने पहले यही कहा था कि भाई इसमें जो ड्रग आ रही है वो ड्रम की वजह से, आपका ड्रम चेंज होगा और उसमें खर्चा आएगा 300 रुपये का। तो कस्टमर का कहना था, भाई अभी मैंने मोटर लगवाया था और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा, मुझसे कहने लगा, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि भाई कोई आपके पास जुगाड़ हुआ कि भाई तो मेरे लिए कर दिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 300 नहीं है तो 30 रुपये तो होंगे। तो कहने लगा, हाँ भाई 30 रुपये तो मेरे पास हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 रुपये खर्चा करो, मैं अभी जुगाड़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं टीन की पत्ती मैंने लाया, इस तरह से मैंने फिट करी और अभी देखिए मैं इस पहिए को जब फिट करूँगा तो देखिएगा इसके अंदर जो मैं चाल आपको दिखा रहा था वो चाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं चाबी लगा रहा हूँ, तो अभी देखिए मैंने चाबी इसकी लगा दी है, इसको ठोक दूँगा चाबी को अच्छे से। तो देखिए मैंने इसको हल्का हल्का सा ठोक दिया, बिल्कुल फिट बैठा दिया और देखिए हमारे पहिए की चाल आप देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अब देखिए अगर इसका नट नहीं मिल लगाऊंगा मैं तो ये पहिया मेरा बाहर नहीं निकलेगा, इतना टाइट हो गया है, ठीक है। और अब इसके ऊपर देखिए हम इसको नट लगा लेंगे और नट को अच्छे से हम टाइट कर देंगे, ठीक है। और जब नट हमारा अच्छे से टाइट हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूँ, ये जो इनका पहिया बार बार ढीला हो रहा था, इस पत्ती की मदद से, ये पत्ती पैकिंग बन चुकी है इसकी और इस पैकिंग की मदद से पहिया अब बिल्कुल ढीला नहीं होगा और पहिया देखिए बिल्कुल सीधा चलेगा। जो पहले चाल भी आ रही थी वो चाल भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से आप ये जुगाड़ कर सकते हो, ये मेरी देसी जुगाड़ है, ये मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना फंडा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पहिए को सही कर सकते हो अगर आपके पास ड्रम बदलने के पैसे नहीं हैं 300 रुपये, और अगर चाहते हो कि कोई जुगाड़ हो जाए तो यही देसी जुगाड़ है, इसी तरह से मैं काम करता हूँ। ये मैं आपको बहुत मतलब अपना मैं अपना आपको हुनर शेयर कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से सब चीज़ सिखा सकूँ जो कम से कम ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।